take it back to the old school. Hey boys, welcome back to another video of Death Stranding. So last time तुम्हें याद ही होगा कहाँ पे ये गेम खत्म हुई थी. तो आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में, एंड here we go again. जैसा कि तुम्हें पता है, लास्ट टाइम वो सब मर गए थे, मैं अकेला बचा था और साथ में मैंने उस बच्चे को बचा लिया था. और वहाँ पे एक भयानक सा नज़ारा था जहाँ पे गेम ख़त्म हुई थी. और वो जो भी इस गेम का विलेन था, आई डोंट नो कौन है, जो भी है यार, बहुत ही डरावना था. एंड रेस्ट तुम्हारे आगे है. ओह शिट मैन, एटलीस्ट हमने बच्चे को तो बचा लिया. बट इसके कपड़े कहाँ गए? मेरे कपड़े कहाँ गए? भाई सब कपड़े तो पहन लेते यार, वो ही कहाँ गया? What the fuck? ओ यार वो फिर से यहीं पे आ गया क्या? मछलियां भाई, हुआ क्या था यार? सच में मैंने वहां पे खत्म की ना, देन उसके बाद हम यहाँ पे बिगिन कर रहे हैं. तो व्हाट द हेल, ये मछलियां क्या कर रही हैं सारी? ओ ये क्या है भाई, ये बहुत ही भयंकर नजारा है. ये सारी मछलियां, डॉल्फिन, शार्क सभी बाहर मरी पड़ी हैं यार. डेथ स्ट्रैंडिंग यार, एक सेकंड के लिए ऐसे लग रहा था कि ये इनमें से ये जो बड़ी बड़ी वाली है ये रॉक्स हैं, बट नहीं, ये मछलियां हैं भाई. ऐसा क्या हुआ यार यहाँ पे? ये वही चाची है या कोई और है? लेट मी सी यार, अब ये गेम थ्रिलिंग होती जा रही है. केकड़े, छी केकड़े भी काले भी सी. ओ ये कहाँ जा रही है? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये सब मेरी इमेजिनेशन है? नहीं, ये लड़की सिर्फ है मेरी इमेजिन. अरे फक मैन, ये मरवाएगी यार, मुझे भी मरवाएगी ये. ये जो सैम है ना, ये बिल्कुल फैट रेड जैसा है यार, बिल्कुल ही उस फैट रेड जैसा है. ओ बंदे, कितने सारे बंदे भी मरे पड़े हैं. रिपेट्रिएशन, सैम इज अ रिपेट्रेट, मीनिंग दैट ही कैन रिटर्न टू लाइफ फ्रॉम द प्लेस नाउन एज सीम व्हेन किल्ड. ओह शिट, मैं मारा गया क्या एक बार? मतलब ओए व्हाट द फक यार, मेरे को डर लगे जा रहा है सच में यार. शिट, फ्लैशबैक. बीबी, अरे बीबी की वाइंस. भुवन बाम, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी भुवन बाम? इट्स डैडी. जिंदा हूं मैं तुझ में. ओ फक फक,
छी, काली उल्टी कर दी। इसमें बेबी नहीं है क्या? अरे कितनी डिटेलिंग बनाई है इन्होंने यार। Once there was an explosion, फिक, a bang फक, which gave फिर से rise to life as we एक्सप्लोजन know वाली, फिर से एक्सप्लोजन वाली कहानी यार शुरू हो गई इसकी। the next explosion. Then came the next explosion. भाई हुआ क्या है बताओगे क्या आप? तुम या तुम कहानी सुनाते रहोगे अपनी। मेरे को यूअर नेम की याद आ रही है, पता है गेम खेलते खेलते, सच बता रहा हूँ, उसमें भी ऐसे एक्सप्लोजन हुआ था। ब्ला 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 कार्गो सेंटर, कार्गो स्कैनर, ये सब तो ठीक है भाई। लेट्स सी क्या होगा अब इस गेम में, सच बता रहा हूँ अभी इस गेम में थ्रिल पैदा हुआ है भाई असली। अभी देखते हैं क्या क्या होने वाला है भाई, कुछ धमाकेदार ही होगा। चिल्ले सूती है, फक। अब ये मैं कहाँ पे बंदा हूँ? सबसे पहले मैं एक वहां पे समुंदर के बाहर था जहां पे सारी मछलियां मरी पड़ी थी, इंसान मरे पड़े थे। एपिसोड 1, ब्रिजेट। लेट्स सी, ये शायद सबसे बिगिनिंग से शुरू हो रही है कहानी। अरे भैया क्यों बांध रखा है मेरे को? How does it feel to be back in the world? मैं तो मेरे क्या बिगड़ा था? Don't worry, I'm a doctor. अबे ओ मोटे, डॉक्टर नहीं है तू, फुद्दू मत बना। डॉक्टर है तो बांध क्यों सॉरी बांध क्यों रखा है मेरे को गेंडे? Not like you, of course. Deadman Guild or special appearance. I've never actually died. I would advise against that. I'm no expert, but I can assure you it's for your own protection. See? So I'm साले कितना मोटा है तू? These aren't handcuffs. They're cutting-edge devices that keep us all connected. Us? Oh, us. Yep, bridges. Humanity's best hope for the future. Or avoiding extinction, if you prefer. Right. Okay, well, so I'm bridges. What time is it? Bridges naam ki is watch me. Jagah pe hain. Try pressing it against your skin. Jo bhi hai ye inka like headquarters hai inke. भाई हाथ खड़ी तो ओके सो ये हमें हाथ पे रखनी है। ओह कूल, दैट इज टू से वी विल, वी आर हियर टू हेल्प। ओके सो एटलीस्ट ये बंदा ड्यूरिंग दैट ठीक ही लग रहा है मुझे फिलहाल तो। पहले मेरे को इस पर शक हो रहा था। You're a repatriate. That makes you very special. What happened to the CD guys? मर गए? Central Knot was obliterated. मर गए वो? In the annihilation. Game over, man. Place is a crater. The only ones to get to continue were you, for obvious reasons, and your broken bridge baby. Is it all right? अरे वो बच्चे का क्या हुआ भाई? It's been marked for disposal. Didn't work anymore. Why keep it? We lost everyone.
Not just corpse disposal. My team. HQ. यार वो बच्चा बच गया हो यार काश. Every soul in Central North City. We're at our base. पता नहीं वो कहाँ पे है, उसको बचाया भी है इन्होंने नहीं. Our new headquarters. Sudbury seemed the logical choice. But our implementation team has been decimated. And there's only so much they can do in 2 days. Things here are a mess. Fortunately, the director and his support team were out of town at the time, so the chain of command remains intact. है तो डॉक्टर यार, इसने वो गले में अपना वो पेन रखा है, ये जो भी होता है, ये स्टेथोस्कोप जो भी होता है यार, ये लग तो डॉक्टर ही रहा है. Is from when you repatriated? Okay, so I guess मैं इस पर ट्रस्ट करना चाहिए मुझे. What's the other mark from? A clinging woman in a cave. नहीं भी करूंगा तो जैसा गेम करने को कहेगी मुझे करना पड़ेगा. No wonder you were out there alone, where no one could touch you. I'll try to be more careful, Sam. चुप. So, the job is an urgent delivery. So एक और डिलीवरी आने वाली है. लास्ट टाइम हमने वो ड्रग्स के डिब्बे डिलीवर किए थे ना उस पहाड़ पे. You talking about the mayor of Central North? No, 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 not the mayor. America lives on, Sam. The president is in the final stages of cancer, in critical condition, but there's still time. The president को भी कैंसर हो रखा है. Look, Sam. यार अगर इस सैम के हम बाल छोटे कर देना काट के, ये बंदा बिल्कुल फैट रैट लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों ये फैट रैट बन जाएगा. ओह अपोलॉजीज, दिस इज जस्ट अ काइरोग्राम. ये तो खुद ही एक होलोग्राम है. एंड हियर कम द टीयर्स, एलर्जिक रिएक्शन टू द काइरल ट्रांसमिशन. I'm actually over in the isolation ward in the big triangle building. Here is the morphine. Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Come on, you got morphine there. What's this about? Tell me the truth. The truth, Sam, is that America's last president wants to see you in person. Are you really about to say no? No. चलते हैं भाई. ठीक है. Very good. अब टास्क दिया है तो पूरा तो करके रहेंगे ना. बिजी जो आ रहा है गायब होके चला जाता है यार मिनटों में. पहले वो चाची आई वो गायब हो गई, उसके बाद वो आई पानी में औरत वो गायब हो गई. बीसी जो आता है टास्क देके गायब हो जाता है यार. ऐसे थोड़ी ना होता है, कम से कम मतलब विदा तो कर दिया करो यार कम से कम तुम्हारे हेडक्वार्टर से. ये कहां पे आ गया मैं, गार्डन ऑफ द गैलेक्सी की जेल में. बिगिनिंग स्कैन, स्कैनिंग ब्रिजेस आईडी, वेरीफाइंग आईडी, क्लियर, ऑल क्लियर. वेलकम सैम पोर्टर ब्रिजेस. बिगिनिंग स्कैन. Have a pleasant journey. Delivery order for Sam Porter Bridges. और ये हम चले बाहर. मुझे लगा था मैं कहीं आसमान से कूदूंगा यार, जैसे GTA में नहीं ऐसे कूदते थे ऊपर से, ऐसे भागते थे वो प्लेन से, ऐसे सीधा कूदा करते थे. ऐसा लग रहा था बाहर से तो, मतलब अंदर से. ओके, ओपन कफलिंग्स टू व्यू मैप. सो हमें प्रेसिडेंट को बचाना है. बेचारे हमारे प्रेसिडेंट को कैंसर हो रखा है, तो हमें उन्हें पैरासिटामोल डिलीवर करनी है.
हमें वहाँ पे जाना है काफ़ी। ओके अभी हम यहाँ पे हैं कैपिटल नॉर्ट सिटी के बाहर। ओके सो चलते हैं फिर। काश मैं उड़ भी सकता इसमें। ओ फिर कुछ बचता ही ना इसमें करने को। वहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ पे रास्ता बंद है। ठीक है ठीक है, मैं सही जा रहा हूँ सही जा रहा हूँ मैं सही। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं यहाँ पे, हाँ तो ठीक ही तो जा रहा हूँ मैं। सीधा चल, सीधा चलने दे, सीधा चलने दे। हाँ यहाँ से गली जा रही है और आगे रास्ता हो गई। मैं ठीक जा रहा हूं ना? ऑफ कोर्स ठीक ही जा रहा हूं। डेस्टिनेशन आइसोलेशन वार्ड में ही जाना है। हाँ 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 मुझे यही जाना है, यही जाना है, यही जाना है। और ये हम टूट पड़ी हम। सैम, हाँ भाई बोल। Want to confirm you're headed the right way? Check your compass. It'll never steer you wrong, provided you have a destination that is. पता है भाई सही जा रहा हूँ मैं, पता है ठीक है। ज़्यादा ज्ञान मत दे तू यार, मजाक कर रहा हूँ अंकल। थैंक यू आपने मुझे बता दिया, वरना मैं तो आसमान क्यों चाहिए, मैं पहुँच जाता चारों तरफ जहाँ पे कोहरा ही कोहरा होता, फिर मेरे को यहाँ पे लैंड कराना पड़ता। Let me go to the destination. Ouch. Central wasn't just home to Bridges HQ. It was also the seat of the Reconstructionist movement. Oh. The president hadn't required special treatment. She would have never left. And if she hadn't, we wouldn't have either. अंकल दो मिनट चुप करोगे, मेरे को हिचकियाँ लग गई आपके चक्कर। आउट। रुक जाओ यार अब तुम। ओके सॉरी।
ये रही हमारी डेस्टिनेशन। गेट खोलो। जब तक मैं ये पूरा नहीं कर लेता ना, मैं पानी पीने मैं नहीं उठूँ। ओह यार मैं नहीं उठूंगा भाई पानी पीने। गाइस माइंड मत करना यार। अरे बहन भैया कितनी हिचकी मारोगे? It's me, dead man. ये कुतिया इधर भी ये इधर भी आ गया यार। I'm afraid the president's contagion. अच्छा ये असली वाला है, वो होलोग्राम था इसका। Thank you. This will help to ease the pain. You're welcome. And allow her to speak with you in these final moments. ये भी असली वाला है ना, या फिर ये भी होलोग्राम है? The last female president of the United States. Surely you remember her. She raised you. You're not exactly dressed for a reunion. Take that off before you come inside. अब मैं कपड़े कहाँ से लाऊं भाई? Delivery completed. Yeah. That was actually easy. पहले से भी मेरे को कम ट्रेवल करना पड़ा, सिर्फ 500 मीटर। ये सिंपल था। ओके चलते हैं हम इसके अंदर। ओके सो यहाँ पे प्रेसिडेंट का ऑपरेशन चल रहा है। ओह यू वर विद ब्रिजेस वन, सो आई गेस नो इंट्रोडक्शंस आर नेसेसरी। नो भाई इंट्रोडक्शन दे होती है। अंकल आपने मास्क क्यों पहन रखा है? अबे पागल वागल हो तुम? व्हाट्स इट बीन सैम? तुम क्यों टर्मिनेटर बने घूम रहे हो? Die Hard Man, नाम अच्छा है इसका। Freaks meeting like this. Yeah, well, good to see you too. President's waiting. Okay, so female president है। मुझे लगा था इन्होंने कुछ ओबामा उसम कुछ ऐसा बनाया होगा। She's a bit out of it, bud. ओबामा अंकल जैसा। She'll recognize you. मुझे लगा तो कोई अंकल वंकल होंगे प्रेसिडेंट और क्या, या फिर ट्रंप जैसे कोई अंकल बनाए होंगे, वाइट वाइट बालों वाले WWE वाले अंकल। हे आंटी मैं डले। अरे भाई ये तो क्रिटिकल है भाई, क्रिटिकल है ये तो। We'll leave you two alone. इसकी तो हालत खराब है यार सच में। Sam, I knew you'd come back. Are you doing all right? दिखा तो दो भाई, दिखा तो दो, फेस रिवील तो कर दो। मिथ पैट ने भी कर दिया अब तो फेस रिवील। ओ आंटी अरे यार ये तो काफी बीमार है यार। ओ ओ कब बुरा लग रहा है। एमिली मेंडली took her 3 years to cross. She's trying to rebuild the country. Still going on about that, huh?
You're the one I wanted to send, Sam. Time's running out. Help Amelie. She needs you. अबे कितनी असली असली सी लग रही है ना. टेक्सचर कितना डिटेलिंग में बनाया इन्होंने. Together, you can help us reconnect. CGI वर्क बहुत अच्छा किया है यार इनकी टीम ने. सच बता रहा हूँ, CGI बहुत अच्छा किया है. बहुत अच्छा किया यार इन्होंने ये. Sam, if we don't all come together again, humanity will not survive. We don't need a country. तुम लोग डिटेलिंग देखो ना यार. We do. Alone, we have no future. No, America's finished. Bridget, you're the president of Jack's shit. Sam, listen to me. चुप, बिल्कुल चुप. ओए, ओ पागल. Shit. अबे मार दिया यार तू मार. अबे मर जाएगी आंटी. अरे यार भाई से कैंसर नहीं है ये, पागल है. इसको उसने काट लिया, वो वही वायरस ने जो था वो नीला नीला. अबे वो इसके अंदर है क्या? यार अभी तो ये बेड से हिल नहीं पा रही थी. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. वो मर गई. Shit. Madam President. Oh no. अरे यार प्रेसिडेंट मार दी यार भाई, मतलब मारी नहीं, अपने आप ही मर गई. शिट यार. नहीं बचेगी यार, अब नहीं बचेगी. कितने मर्जी शोक दे लो, अब नहीं बचेगी भाई. यार एक तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक यार, ये सेंटी करोगे क्या यार तुम सही में? अबे ये क्या? ये तीसरी आंटी कौन है? Listen. No one can know that the president is dead. Okay. Word gets out. Bridges is finished. Now what happened here does not leave. ठीक है, अंकल नहीं बताएंगे कि प्रेसिडेंट. Yes, director. आंटी मारी गई. Still the matter of the body. Without corpse disposal. We've got that covered. Let's see. Sam, before she died, the president made a contract with you. What are you talking about? As a member of Bridges, you're going to work with the rest of us to rebuild America. You think you can recruit me like she tried to? यार ऐसे कैसे तुम रिक्रूट कर लोगे भैया? मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ काम यार. That's not symbolic. I don't know what is. शिट, ये क्या यार? The cancer spread throughout her entire body. Harvesting organs is out of the question, and there is no need for an autopsy. Her body needs to be cremated before she necrotizes. And if we don't, this place will turn into another crater. What do you want me to do? अरे यार बैंकॉक. We don't have any porters right now. And the CD team you went into the तुम ना जब जब
किसी काम में लेते हो ना, फंसा के रख देते हो। पहले उसने फंसा दिया, वो मारा गया, अब मैं बच गया, अब तुम लगा लो मेरे को अपने काम में। और ये भूतनी के अपना मास्क हटा के पीसी। साला टर्मिनेटर की औलाद। It's got to be BTs. This job has requirements. Tombs. Repatriate. So me? Why? Sam, you're already on the clock. Ah, theek hai bhootni ke. Now get it done, Sam Porter Bridges. Bata bhai, karna kya hai? Tumhe mere alawa koi milta nahi hai na? Of course, main hi karunga. Main is game ka hero hoon. तुम्हारे तो पिछवाड़े में दम नहीं है। इसकी बॉडी थी क्या जो उसमें लेके जा रहे थे? ओ भाई, ये प्रेसिडेंट की बॉडी थी जो उसमें लेके जा रहे थे हम, वो ट्रक में। शायद मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। तो वो इसके बाद की स्टोरी थी वो? पता नहीं यार मुझे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बे। She deserves a funeral with full honors. But we can't give her that. अरे फ्यूनरल तो कर देंगे, लेकिन भूतनी के तू ही तो कह रहा है, पता चल जाएगा लोगों को, नहीं पता लगने देना। Bridges will cease to be. Listen. Okay, so funeral तो नहीं दे पाएंगे हम प्रेसिडेंट को। Must be carried out with the utmost secrecy. Even if we pull it off, what then? Who's gonna take her place? Face it, America's history. Sam, America isn't dead yet. He just said that it dies if Bridget dies. She may be lost to us, but we still have an America worthy of the presidency. Sorry, what? Let's not get into it now. So, मतलब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उनकी प्रेसिडेंट नहीं रही, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट गई, ये बात फैली, तो अमेरिका खत्म, मतलब बेसिकली ब्रिजेस खत्म, अमेरिका खत्म। So take the first step, Bridges is, I think, imaginary जगह इस गेम में। If we don't all come together again, जैसे वकांडा। You're the one I wanted to send, Sam. Time's running out. I love you, Sam. Okay, यार तुम लोग मेरे से करवा के रहोगे यार, एक तो तुम ना इमोशनल अत्याचार कर देते हो यार मेरे पे। The facilities to the southwest. Remember that you'll be passing through BT territory. We built the incinerator way up in the mountains so that the chiral matter in the smoke wouldn't reach the city. It won't be easy carrying a body up there. अरे पूरी बॉडी टांग के लेके जानी पड़ेगी। शिट, ये क्या जुगाड़ है भाई? कम से कम किसी डिब्बे में डाल देते यार, किसी बैग में डाल देते भाई। If anything comes up, we'll offer you support by the cufflinks. किसी ने रास्ते में पकड़ लिया तो पता नहीं चल जाएगा। अरे कितना अजीब लग रहा है यार, प्रेसिडेंट को उठा के लेके जा रहा हूं मैं ऐसे, वो भी ऐसे बांध के। फक मैन, 55 किलो की है ये। ओके, सो ये है अपना अगला ऑर्डर। फक फक फक, कहां पे जाना है? अरे कितनी दूर जाना है यार। एक्चुअली हमें काफी दूर जाना है बे। ओके, सो हमें प्रेसिडेंट की बॉडी छोड़ के आनी है किसी जगह पे जो कि यहाँ से काफी दूर है। अबे 55 किलो की बॉडी टांग रखी है यार मैंने, ऐवे थोड़ी ना होता है, ये बच्ची थोड़ी ना है। ये बच्ची थोड़ा है जो मतलब कि एमी पीछे पीठ पे बिठा के ले जाऊंगा, ऐवे थोड़ी ना होता है। एनीवेज, अब जाना है तो जाना पड़ेगा।
और ये हम चले यहाँ से। यहाँ पे रास्ता बंद है। अरे ये तो भारी है बे। अब बैलेंस करना हार्ड हो रखा है। अरे मैं इसे पहुंच कैसे पाऊंगा? मेरे को कितनी दूर जाना है अभी? बहुत भारी है। 55 किलो की आंटी पकड़ा दी यार तुमने मुझे। ये कोई 20 किलो का बच्चा थोड़ी है। मतलब मैं उठा तो लूंगा भाई, लेकिन यार प्रेसिडेंट को ऐसे कौन उठाता है भाई? एक तो तुम पहले उसकी फ्यूनरल नहीं कर रहे रिस्पेक्ट के साथ, ऊपर से ऐसे खुले में लेके जा रहे। तुम्हारे पास क्या बैग खत्म हो गए क्या? और डेस्टिनेशन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है एक्चुअली। भारी तो है, हमें बैलेंस करके चलना होगा बिल्कुल सीधे। अरे भारी है भाई। कम से कम 1200 मीटर से ऊपर है अभी भी। भाई कोई गाड़ी या कोई बाइक ही दे देते कम से कम। मैं भी प्रेसिडेंट की बॉडी ले चलता बिल्कुल, वो थ्री इडियट्स की तरह जैसे आमिर खान लेके जाते हैं उसमें रैंच और राजू के बाप को लेके जाता है स्कूटी पे। ओके, एटलीस्ट यहाँ पे रास्ते में कोई ऐसा नहीं है कि जो हमें देख लेगा। मतलब अगर किसी ने बॉडी चेक कर ली तो तेरा क्या होगा भाई? ओ फक 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 फक, अरे बच गया शिट। एक तो 55 किलो वेट, ठीक है, ऊपर से इतनी भारी, ऊपर से रास्ता भी ऐसा, हद होती है यार तुम्हारी। एनीवेज हमने आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कर लिया, हम पहुँचने वाले ही हैं शायद। ये तो बंद है। अरे यार ये रास्ता यहाँ से बंद है। God damn it! अरे मेरा भी यही हाल हो रखा है भाई। शिट यार, तुम तो मेरे को एक्स्ट्रा चलवा रहे हो भाई। घूम के जाना पड़ेगा क्या वहां से? यार यहां से तो आया था मैं। अरे यार शिट, मैं पागल हूँ जो मैं यहाँ पे आ गया है यार। मैं गलत डायरेक्शन में आ गया शायद। ऐसे ही चलता रहना इसकी बॉडी सड़ जाएगी पड़ी पड़ी। ओए गिर जाओ भाई, गिरेगा भाई, गिरेगा। अंकल गिरोगे भाई। मैं सही जा रहा हूँ क्या?
ओके चलता रहने का, चलते रहने दो, देखते हैं आगे जाके यहाँ से। ये वाला मिशन तो हम कम से कम पूरा करेंगे आई गेस, प्रेसिडेंट को छोड़ेंगे उसके बाद ये वीडियो एंड करेंगे। ऑलरेडी वीडियो आई गेस लंबा हो रहा है थोड़ा, बट एटलीस्ट ये मिशन तो हम पूरा करेंगे, फिकर नोट। ये मिशन पूरा करे बिना हम ये वीडियो ख़त्म नहीं करेंगे। वापस यहीं पे आ गया। अरे गिर गया यार। मेरे से कोई गलती हुई है यार। Too close. Oh shit man, ये कितनी भारी भाई। नो वरीज, हम प्रेसिडेंट को डिलीवर करके ही छोड़ेंगे। हमें अमेरिका को बचाना है, हमें ब्रिजिस को बचाना है, हमें अमेरिका को बचाना है, और किसी को पता भी नहीं लगने देना। आई गेस हमें इस रास्ते से जाना है यहाँ पे। ढूंढते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो मुझे इस ब्रिज से जाना था आई गेस, यहाँ पे रास्ता इधर से ओपन होगा। मैं पागल हूँ जो वहाँ पे उसमें उस वाले रास्ते से गया इतना दूर। फालतू में मेरे को शिट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नो वरीज, हकुना मटाटा। ओके यहाँ से हम सही पहुँच जाएंगे। मैं एक्चुअली गलत रास्ते चला गया था, पहले उस साइड से रास्ता क्लोज था तो मेरा वो जाना वहाँ पे वेस्ट हुआ। फालतू में उस गंदे से रास्ते से गया जो कि रास्ता था भी नहीं एक्चुअली वहाँ पे। यहाँ पे तो कोई गेट वेट नहीं है ना भाई तुम्हारा, ये बंद है क्या भाई? ये बंद नहीं होना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को ये था, क्या पता ये भी ना खुले, ये बंद हो कहीं। अभी यहाँ से है काफ़ी दूर है अभी यहाँ से। क्या हम पूरा कर पाएंगे आज में ये? ओके अभी थोड़ी देर हम और चलेंगे, पूरा नहीं होगा तो हम इसे नेक्स्ट टाइम में पूरा कर लेंगे आई गेस। ये टास्क तो हम कर ही लेंगे, लेकिन डिसबैलेंस हो रहा है। फक यार मेरे को गुस्सा आ रही है, पता है ये प्लेन वाले रास्ते पे कोई दिक्कत नहीं आती, बट ये रोक वाले रास्ते पे बार बार बैलेंस बिगड़ जाता है वेट उठाते हुए।
और ये है भी तो 55 किलो की भाई, वो डिब्बे भी इतने भारी नहीं थे जितनी ये अकेली आंटी भारी है। लो भाई साहब म्यूजिक भी चालू हो गया, मूड बना लो भाई साहब, अपना मूड बना लो, मूड बना लो गाइस, ईयरफोन्स लगा के अपना मूड बना लो। ऐसा लग रहा है मैं हिमाचल में घूमने आया हूं बीसी। ये एक्चुअली यहाँ से काफी दूर है यार, शिट शिट शिट, ये पहाड़ वाला एरिया मेरे को सारा क्रॉस करके जाना पड़ेगा, एक्चुअली काफी दूर है। आई थिंक अरे यार ये मेरे को चढ़ते गुस्सा आ रहा है, मेरे को चलते चलते मतलब काफी दिक्कत हो रही है चलते हुए। आई गेस ये हम नेक्स्ट पार्ट में आगे पूरा कर लेंगे, बिकॉज अभी हमें काफ़ी टाइम लगेगा एंड वीडियो काफ़ी ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। सो ये मैं अभी के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप फिर भी तुमने स्टिल काफ़ी एंजॉय किया होगा एंड मज़ा आया तो डू लेट मी नो, एंड इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, डोंट वरी। एंड वीडियो पसंद आई तो ये कमेंट करो नीचे, एंड मैं लोग मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।